hello everyone welcome back to e-learning classes of university high school as you all know we have completed first six chapters of science from textbook and we have also completed the notebook work of first six chapters today we are going to start with new chapter that is chapter number 7 in name of our chapter is getting to know plants so I would request you all to open your textbooks and open chapter number 7 so that we can start with the explanation. Chapter 7 Getting to Know Plants Go outside and observe all the plants around you. Figure 7.1. Do you see that some plants are small, some are very big, while some are just patches of green on the soil? दिस मीन्स आपको घर के बाहर निकल के ऑब्जर्व करना है कि आपके घर आस पास कितने अलग अलग प्लांट्स हैं आप देखोगे कोई प्लांट्स बहुत छोटे हैं कोई बहुत बड़े हैं जबकि कोई ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रीन कलर के हैं और हमारे लैंड से अटैच किए हुए हैं सम हैव ग्रीन लीव्स व सम अदर हैव रेडिश वंस कोई प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी लीव्स ग्रीन कलर की होती है और कोई कोई ऐसे दिखेंगे जिनकी लीव्स में थोड़ा रेडिश कलर मतलब रेड कलर भी होगा सम हैव यूज रेड फ्लावर्स सम हैव टाइनी ब्लू वंस कोई कोई प्लांट्स में बहुत बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स होंगे वाइल्ड कोई प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिसमें छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स होंगे वेल सम हैव नन और कोई ऐसे भी होंगे जिनमें फ्लावर्स ही नहीं होंगे वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस नियर आर होम्स इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द वे टू स्कूल इन द पार्क्स एंड गार्डन इज इट मतलब हमें बहुत अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स देखने मिलेंगे हमारे आसपास, पास मे uh, बी हमारे घर के बाजू में हमारे स्कूल के ग्राउंड में जब हम स्कूल जाते हैं उस टाइम रस्ते में गार्डन्स में पार्क्स में और काफ़ी ऐसी जगहों पे। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट्स दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स जिसके हेल्प से हमें प्लांट्स uh, के अलग अलग टाइप्स को समझने का और उनके बीच का डिफरेंस जानने की हेल्प होगी कैन यू लेबल द स्टेम ब्रांच रूट लीफ फ्लार एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन एंड फिगर सेवन पॉइंट वन दिस मीन्स सेवन पॉइंट वन में जो फिगर आपको दिया गया है क्या आप उस प्लांट के पार्ट्स बता सकते हो जैसे कि स्टेम है ब्रांच है रूट है लीफ है फ्लावर है फ्रूट एंड सोन अगर आपको याद होगा तो हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी ये एक पिक्चर ड्रा किया था जिसमें हमने पार्ट ऑफ प्लांट्स किए थे सो so आप सबको पता होना चाहिए कि कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं सेवन पॉइंट वन हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज़ एक्टिविटी वन लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू प्लाट्स दैट आर अबाउट योर साइज एंड प्लान्टच आर मच टॉलर देन यू एक्टिविटी वन आपको ये पूछना चाह रही है कि आपको है ना स्टेम्स और ब्रांच जो भी प्लान्ट आपसे हाइट में छोटे हैं जो आपकी सेम साइज़ के हैं और जो आपसे बड़े हैं उनके स्टेम्स और ब्रांच को क्लोजली ऑब्जर्व करना है फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बैंड देम जेंटली टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड फिर आपको क्या करना है उसकी स्टेम को फील करना है और फिर उसे बेंड करना है और आपको फील करना है कि उसकी जो स्टेम है वो हार्ड है या टेंडर है टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक हक द टॉल प्लान टू सी हाउ थिंक देअर स्टेम्स आर आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्टेम है वो टूटे नहीं और जो बड़े ट्रीज है जो बड़े प्लांट्स है उनको आपको हक करना है और आपको ट्राई करना है कि आपको पता चल सके उसके स्टेम कितने ज़्यादा थिक है वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो एंड सम प्लांट्स और हमें ये भी नोटिस करना है कि प्लांट्स के जो ब्रांचेस है वो कहाँ से ग्रो हो रहे हैं क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम क्या वो ग्राउंड से ही ग्रो हो रहे हैं ऊपर स्टेम के यहाँ से ग्रो हो रहे हैं वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व अब हम क्या करेंगे जितने भी प्लांट्स हमने ऑब्जर्व किए उन्हें ग्रुप करेंगे कहाँ पे इन टेबल सेवन पॉइंट वन सम एग्जाम्पल्स आर शोन यू कैन फिल द कॉलम वन आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करके दिखाएं हैं जिसकी हेल्प से कॉलम वन आप फिल कर सकते हो जैसे टमेटो वो क्या है प्लांट का नेम है उसकी हाइट कैसी होती है शॉर्ट फिर है मैंगो उसकी हाइट कैसी होती है वेरी टॉल फिर है लेमन अबाउट माई हाइट मतलब उसकी हाइट आप लोग जितनी हो सकती है ऐसे ही तीन जगह जो खाली है वहाँ पे आपको प्लांट का नाम और उसकी मैक्सिमम uh, या मिनिमम जो हाइट है मतलब शॉर्ट वेरी टॉल या अबाउट माई हाइट वो फिल करना है You can also fill column two and three for many more plants. Fill column four later after studying the section. आप column टू और column थ्री भी fill कर सकते हो कैसे जैसे tomato जो plant है वो green color का होता है yes तो उसमें हम yes लिखेंगे Tender होता है ठीक होता है या hard होता है उस हिसाब से हमें इस सारे columns fill करने हैं Similarly mango. तो क्या mango green color का plant है टेंडर है थिक है हार्ड है ऐसे करके हमें ये फिल करना है कॉलम थ्री में है वेयर डू द ब्रांचेस अपीड दैट इज ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होती है स्टेम से या फिर हायर ऑन द स्टेम या तो स्टेम के ऊपर से या उसके और भी ऊंचाई से ये हमें वहाँ पे फिल करना है और कॉलम फोर बाद में फिल करेंगे जब हम कैटेगरी ऑफ प्लांट्स के बारे में अच्छे से समझ लेंगे आपको ये कॉलम ट्राई करना है फिल करने का नहीं तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी आज के बाद वाली उसमें मैं आपको एक बार वापस से ये फिल करके दिखा दूंगी बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासीफाई इन टू थ्री कैटेगरीज अब इनके कैरेक्टर्स के ऊपर से ऊपर जितने भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स फिल किए उसके ऊपर से जो प्लांट्स हैं वो तीन कैरेक्टर्स uh, में क्लासीफाई हो सकते हैं जैसे कि हर्ब्स shrubs and trees an example of each is shown in figure 7.3 aap niche आप नीचे mein dekhoge to wahan में देखोगे तो वहाँ trees in श्रॉब्स और ek इन तीनों का एक एक hai आपको बताया गया है प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं और जिनके स्टेम्स होती है वो टेंडर होती है उसको हम क्या बोलते हैं हर्ब्स दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस जो हर्ब्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं साइज में और उनकी ब्रांचेस भी नहीं होती है सम प्लान डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम द स्टेम हैज हार्ड बट नॉट वेरी थिक सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी ब्रांचेस स्टेम के बाजू में ही ग्रो करते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड जरूर होती है पर थिक नहीं होती है और उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं श्रब्स सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम द स्टेम हैव ब्रांचेस एन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज और कोई कोई प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टॉल होते हैं हार्ड होते हैं उनकी स्टेम जो होती है वो हार्ड और थिक होती है तो ये जो स्टेम्स है उनकी जो ब्रांचेस है वो कहाँ पे ग्रो करती है अपर पार्ट में जो ग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है और उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं ट्रीज़ Based on the above characteristic, can you now classify the plants listed by you and complete column four in table seven point one? अब जो characteristics हमने पढ़ी मतलब हमने shrubs, herbs और trees के बारे में पढ़ा इसके ऊपर से क्या आप table जो आपको दिया था आगे उसको उसका जो column four है वो fill कर सकते हो? Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called क्रीपर्स दिस मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स होती है वो बहुत ही वीक होती है और जो सीधे ग्रो नहीं होते हैं पर ग्राउंड पे स्प्रेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं क्रीपर्स आप सेवन पॉइंट फोर फिगर में देख सकते हो वेल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइमर्स और ऐसे प्लांट्स जो सपोर्ट लेते हैं किसी चीज़ का और फिर ऊपर की तरफ क्लाइम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं क्लाइमर्स एग्जांपल मनी प्लांट अगर आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वो सपोर्ट से ऊपर की साइड ग्रो करता है उससे हम क्या बोलते हैं क्लाइमर्स सेवन पॉइंट फाइव में आप देख सकते हो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज ये जो दोनों हैं वो हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज से डिफरेंट होता है पर आर सम प्लांट्स इन योर स्कूल और एट होम दैट यू टेक केयर ऑफ मतलब कि आपके स्कूल या आपके घर में ऐसे प्लांट्स हैं जिनका आप ध्यान रखते हो राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू ट्रीज श्रब्स हर्ब्स और क्रीपर्स ग्रोइंग इन योर हाउस और स्कूल अब यहाँ पर आपको बोला है कि आपको, आपको ऐसे प्लांट्स दो ट्रीज या दो शब्द या दो हर्ब्स का नाम लिखना है जिससे जो आपके घर में या स्कूल के यहाँ पे ग्रो होते हो सो मई डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फॉर टूडेज वीडियो रिमेनिंग चैप्टर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो टिल देन कीप लर्निंग कीप कम्पलीटिंग योर नोटबुक्स स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू